हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में और एक नए यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा में आपको नए नए जगह देखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी ये स्टार्टिंग है यात्रा का, दशहरा धमाका। हम अपनी गांव के रास्ते पर चल रहे हैं। ये सामने दिखाई दे रहा होगा, ये एक ब्रिटिश टाइम का बना हुआ नील कोठी बोलते हैं इसको, जो नील का फार्मिंग होती थी उसका यहाँ पर स्टॉक रखा जाता था, गोदाम कह सकते हैं। और इस तरफ नहर है और ये सामने वाले रास्ता थोड़ा सा तालाब, जिसमें फूल कमल के बहुत अच्छे खिले हुए हैं। थोड़ी दूर पर है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पकड़ के हम जो डोभी को या फिर कह सकते हैं गया ज़िले को चतरा से कनेक्ट करती है। और ये आ गया गया चतरा हाईवे, और यहाँ पर चौकी पर पुलिस लगी हुई है। सामने बालू लोडिंग हो रहा है और ट्रक यहाँ सब यूपी का लगा हुआ है। इतना ज़्यादा बालू एक्सट्रैक्ट किया गया है कि नदी का लेयर पूरा भाग गया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवर फल्गु नदी का सकते हैं हो रहा। और ये रास्ता सीधे जाती है झारखंड इन करेगी, और हम लोग दिखाते हैं जहाँ जो झारखंड का बॉर्डर है वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। और हम पहुँचने वाले हैं बॉर्डर जो चतरा डिस्ट्रिक्ट और गया डिस्ट्रिक्ट के बीच में बनी हुई है, इस रोड पे बिहार झारखंड का बॉर्डर। यहाँ से चतरा है ऑलमोस्ट 37-38 किलोमीटर और रांची 200 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं झारखंड में आपका स्वागत है के साथ कैसा स्वागत करता है झारखंड। पूरा ट्रिप झारखंड का होने वाला है। फल्गु नदी है पहली नदी हमें मिली, और सामने दिखाई दे रहा है कौलेश्वरी पहाड़, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले का बना हुआ है वो देख लीजिएगा। और नदी के बाद स्टार्ट होती है सारे पहाड़ धीरे धीरे। सामने एक खतरनाक भिड़ंत हुई है गाड़ियों की, पीछे वाले ट्रक में तो अच्छी खासी खलासी तो गया होगा इतना। जोरदार टक्कर, अच्छी स्पीड में गाड़ी, तो जस्ट घाटी जहाँ शुरू होने वाला रहता है उससे पहले हुआ। और यहाँ के बाद चतरा घाटी शुरू होता है। वैसे चतरा घाटी का जो पूरा फुल वीडियो है एक अलग से उसको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में हल्का हल्का झलक दिखेगा आपको चतरा घाटी का, लेकिन मेन वीडियो एक और बना दूँगा उसमें आप देखिएगा चतरा घाटी का। ऊपर नीचे स्टार्ट हो जाती है चतरा घाटी। एक बेचारा विकलांग घाटी क्षेत्र प्रारंभ बोर्ड लगा हुआ है, स्लो चलना है इसके, उसमें काफ़ी टर्निंग मिलेगी। और एक टाइम पे काफ़ी ख़तरनाक रोड माना जाता था, रोड बनी हुई नहीं थी तो, और जंगली जानवर भी उस समय रहते थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस एरिया में नक्सली लोगों का प्रभाव ज़्यादा रहता था, तो शाम के वक्त या दिन में भी बहुत कम लोग आया जाया करते थे। अभी भी काफ़ी घने जंगल हैं दोनों तरफ, लेकिन डेवलपमेंट काफ़ी हो जाने से और नक्सली लोग का प्रभाव कम हो जाने से एरिया काफ़ी सेफ हो गया है। देखिए यहाँ से मेन स्टार्ट हो रही है रोड, तो कंडीशन कहीं कहीं ख़राब ही है, ज़्यादातर ये सारे ट्रक ख़राब हैं लग रहा है कोयला वाले। ये छोटी सी नदी यहाँ पर बह रही है, जंगल है लेकिन जंगली जानवर बहुत कम हो गए हैं, पहले जितना तो नहीं है, अब बंदर शायद हो लेकिन बड़े जानवर बिल्कुल भी नहीं। हाथी पहले रहता था लेकिन अब वो भी नहीं। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी तक तो सफ़र काफ़ी अच्छा है। आप हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह आपको घुमाएंगे। ये देखिए गायों की टोली हमें मिली है जिन्होंने रास्ता छेक रखा है, लेकिन हम तो कट मारते हुए निकल ही जाएंगे।
फाइनली हम लोग पहुंच गए चतरा टाउन। यहाँ सब चीज़ सही है लेकिन थोड़ा सा रोड कंजस्टेड है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देख सकते हैं संकरी गलियाँ हैं, यहाँ नेशनल हाईवे है लेकिन सिर्फ 2 लेन, और वो भी आगे जाके और ज़्यादा पतले होते जाती हैं। ये चतरा में अगर आप आते हैं तो ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये जो सामने मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है एक तरफ मंदिर है। ये कंजेस्टेड जो एरिया है ना, ये बड़े गाड़ियों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ देखिए ये मंदिर सामने, और अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में भीड़ है, अभी पूजा हो रही है। ऑटो का तो है कभी भी कहीं भी किसी स्थान पे रोक देगा, तो अगर चलाएं तो बच के चलाएं। यहाँ पर देखिए चाइनीज़ गुब्बारा लगा हुआ है, कैंडल, एक पुराना मंदिर है उसके सामने, अच्छी लाइट जल रही है ऊपर में, ऊपर में। और यहाँ दुर्गा पूजा का तैयारी, डीजे बज रहा है और लाइटें लगी है, दिन में तो पता नहीं चलेगा, रात में आना पड़ेगा। चलिए इस टाउन को करते हैं डाटा, बाय बाय, आगे से मिलते हैं। लोग हैं चतरा से थोड़ी सी डिस्टेंस पे आगे जो जाती है चंदवा की तरफ, चंदवा यहाँ से 59 किलोमीटर दूर है। और ये देख सकते हैं इधर काफ़ी अच्छा व्यू, खाने के लिए रुके हैं, खाना खाने के बाद चलेंगे आगे। ट्रक आ रही है, ये रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है और घने जंगलों के बीच, और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खाने का ब्रेक ले लेते हैं फिर चलते हैं। खाने के बाद हम लोग फिर से हो गए हैं तैयार आगे बढ़ने के लिए, और हो रहा है बैग पैक, अब इसे चलेंगे आगे, फिर देखते हैं आगे का कैसा नज़ारा रहता है। देख सकते हैं रास्ता कितना खूबसूरत है, आई होप कि मंजिल भी काफ़ी अच्छा रहे हम लोगों का। और जंगल तो है उसका अलग ही लुप्त है, तो लुप्त उठाते हुए चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। और एक और घाटी हमें मिली है यहाँ पे, देखिए काफ़ी घुमावदार रास्ता है यहाँ पर है। काफ़ी हरियाली चारों तरफ, हवा काफ़ी अच्छी पड़ रही है। यहाँ पर लिमिट है कितना लिमिट में चलेंगे, और टर्निंग पर बोर्ड साइन बोर्ड काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं, फॉलो करके आप चल सकते हैं इसे। देखिए इतना साफ टर्न है, काफ़ी घने जंगल हैं दोनों तरफ। यहाँ पर कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है, रांची 120 किलोमीटर यहाँ से, और चंदवा 337 किलोमीटर, बालूमाथ 17 किलोमीटर। हम लोग 17 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आगे का सीन। और ये देखिए पुल, पुल बनाया हुआ तो है बढ़िया, लेकिन उतना ही ख़राब बीच में पैच वर्क किया गया इस तरह से, तो बनाए तो अच्छे तरह से बनाए। और इधर मकई की खेती बहुत अच्छी होती है दोनों साइड। अभी हम लोग पहुंचे हैं बालूमाथ में मुरफा मोड़, यहाँ से हम लोग दो रास्ते जाती हैं, उधर से भी इधर से भी, हम लोग जाएंगे इस रास्ते में और आगे दिखाते हैं। अब ये सामने देख रहे हैं बड़ा सा पुल दिख रहा है और ये बोर्ड, और हम लोग अब पहुंच चुके हैं दामोदर नदी के पुल पे। और ये रास्ता एक ऐसी जगह जाती है जहाँ जाने के बाद ही बताएँगे, यहाँ देख सकते हैं नदी में पानी, अरे इस तरफ देखना चाहिए, क्या चल रहा है, पूजा चल रहा है, ओहो कतारबद्ध लोग बैठे हुए हैं पूजा में, इस जगह रुकते हैं और यहाँ से दिख जाएगा पूरा आपको। वाह, ओ सामने देखते हैं पूरा लोग बैठे हुए हैं पूजा कर रहे हैं, कलश यात्रा लगता है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी खूबसूरत व्यू दोनों तरफ,
चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं। अभी मैं हूँ झारखंड के मिनी लंदन यानी कि मैकलुक्सीगंज।